सो गाइस, पहली बार ऐसा हुआ है जो मैं अमेज़ोन से किसी बात के लिए मुझे गिल्ट फील हुआ है उसे यूज़ करने के लिए, वो चीज़ है अमेज़ोन पे। हेलो गाइस, दिस इज़ जी एस के फ्रॉम जियो लाइफ, और आज मैं आपसे बात करूँगा कुछ अमेज़ोन पे के बारे में। मुझे एक नोकिया 6 लेना था और मैंने उसे पेमेंट एक कार्ड से कर दिया, डेबिट कार्ड से उसका पेमेंट कर दिया था। उसके बाद 1 घंटे बाद मैसेज आता है कि आपका पेमेंट डिक्लाइन हो गया है। आपको रिट्राई पेमेंट का ऑप्शन देता है वो ईमेल के अंदर और आपके ऐप के अंदर। तो मैंने ये किया क्योंकि मेरा बैलेंस उसमें फंस चुका था, उतना पैसा डेबिट कार्ड से माइनस हो चुका था, मेरे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं था। तो मैंने 2 डिफरेंट कार्ड्स का यूज़ करके अमेज़ॉन पे में डाल दिया ताकि मैं उसका पेमेंट कर सकूं। बट बाय डिफ़ॉल्ट उनके वेबसाइट में एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आप अमेज़ॉन पे को रिट्राई पेमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। आप उतना ही पेमेंट यूज़ कर सकते हैं जितना आपने फर्स्ट टाइम में किया हुआ है अमेज़ॉन पे के अंदर, और बाकी जो डेबिट कार्ड से पे किया गया है उतना पेमेंट आप अमेज़ॉन पे से नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 16,000 के फ़ोन पे सॉरी 15,000 के फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 15,000 के फ़ोन पे 1,100 समथिंग रुपीज़ अमेज़ॉन पे से पे किए थे, और जो है बाकी बची हुई जो अमाउंट है वो डेबिट कार्ड से पे किया था। तो जो डेबिट कार्ड से पेड अमाउंट था उसके लिए मैं अमेज़ॉन पे दोबारा यूज़ नहीं कर सकता था। सो यहाँ पे जाके मेरे पैसे जो हैं, क्योंकि मैंने 2 डेबिट कार्ड से अमेज़ॉन पे में डाला था ताकि मैं एक साथ पेमेंट कर सकूं, तो जो दोनों कार्ड के अमाउंट जिसको मिला के मैंने 16,000 किए थे वो अमेज़ॉन पे में जाके फंस चुका है। अब ना मैं उसका नोकिया 6 ले पाया हुआ क्योंकि उसका पेमेंट रिट्राई पेमेंट होता है वो 24 घंटे के अंदर करना होता है आपके फर्स्ट ट्रायल के। सो मेरा नोकिया जो फ्लैश सेल में नोकिया 6 मिल रहा था वो भी चला गया, मेरे पैसे फंस गए, और अभी मुझे उस पैसे का क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे अच्छा है पेटीएम है, जो कि आपके कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। पेटीएम ऐप का जो पेमेंट मेथड है, वॉलेट है उसका, जो वो ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा यूज़फुल, और आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं उसको। अमेज़ॉन पे को आप लिमिटेड जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अभी तक तो मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड उसकी यूज़ेबिलिटी है। और पेटीएम को आप कुछ अमाउंट दे के अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बट अमेज़ॉन पे के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। पिछले 2 दिन से मैंने एक एक घंटे 2 बार बात की है कस्टमर केयर से, बट कोई भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पा रहा है उनकी तरफ से, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि इस तरह की चीज़ भी हो सकती है अमेज़ॉन के अंदर। अमेज़ॉन हमेशा कस्टमर केयर के लिए जाना जाता है, बट इस मामले में वो फेल रहा है। सो प्लीज़ अमेज़ॉन पे बहुत सोच समझ के यूज़ करें, और हो सकते है तो ना यूज़ करें, बिकॉज़ आपके पैसे एक बार फंस गए तो आप उसे वापस से बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकते, या फिर आप उसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, लाइक पेट्रोल पंप, ग्रोसरी, ऑटो, जैसा कि आप पेटीएम के साथ कर सकते हैं। आप मूवी टिकट खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पेटीएम कैशबैक के साथ कर सकते हैं, बट अमेज़ॉन पे एक लिमिटेड यूज़ेबिलिटी है। आई अनलाइक द अमेज़ॉन पे एंड आई विल नेवर यूज़ अगैन। फॉर स्मॉल अमाउंट्स इट्स ओके, बट फॉर ह्यूज अमाउंट थिंक ट्वाइस बिफोर यू एडिंग एनी मनी इन द अमेज़ॉन पे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आपको एक नॉलेजेबल लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, एंड गॉड ब्लेस यू।